कल हमने देखा समांतर श्रेणी। जैसे हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 7, 11, 15, 19। किसी भी समांतर श्रेणी में जो सबसे प्रथम पद होता है वो ए या ए वन के रूप में लिखा जाता है, और इस समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद यानी ए है वो है 3। इसी प्रकार से दो नंबर्स के बीच का जो अंतर है उसे कहा जाता है सार्व अंतर यानी कि डी। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, 7 में से 3 घटाया 4, 11 में से 7 घटाया 4, 15 में से 11 घटाया 4, इसी प्रकार से 19 में से 15 घटाया 4। यानी कि इन सभी नंबर्स के बीच का जो अंतर है वो सेम आ रहा है, इसे ही सार्व अंतर यानी कि डी कहा जाता है। आज हम दो तरह के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हैं। पहला, जिसमें आपको ए यानी कि पहला पद और डी यानी कि सार्व अंतर दिया होगा, और हमें इस एपी के प्रथम चार पद लिखने होंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, पहला पद हमको दिया हुआ है 8, तो ये हो गया सबसे पहला पद 8। डी यानी 10, डिफरेंस है 10, तो 8 में 10 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 18। ये बन गया आपका दूसरा पद यानी A2। 18 में फिर से 10 प्लस किए क्योंकि सार्व अंतर है 10, तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर होगा 10, तो 18 में यदि 10 प्लस किए तो आपके पास आ गया 28। ये बन गया आपकी एपी का तीसरा पद, और 28 में 10 प्लस किए तो आपके पास आ गया 38। इस प्रकार से इस प्रश्न में हमने एपी के प्रथम चार पद लिखने थे वो हमने लिख दिए हैं। आइए इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें। इसमें ए दिया है 9, डी दिया है 4, तो प्रथम पद ए हो गया 9, तो ये हम यहां पहले खाने में लिख देंगे 9। अंतर है 4, 9 में 4 प्लस किए तो आ गया 9 4 13, वो आ गया इस एपी का दूसरा पद। 13 में 4 प्लस किए तो आ गया 17, वो आ गया इस एपी का तीसरा पद, और 17 में यदि 4 प्लस किया 21, वो आ गया इस एपी का चौथा पद। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आइए एक अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हमें एपी दी गई है, हमें पहचानना है कि इसमें ए क्या होगा और डी क्या होगा। जैसे कि आप एपी देख पा रहे हैं 6, 10, 14, 18, तो इसमें प्रथम पद हम देख पा रहे हैं 6, तो ए होगा 6। डी निकालने के लिए किन्हीं दो पदों का अंतर हम देखेंगे। जैसे मैं देख रहा हूं A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दें, दूसरा पद है 10 माइनस पहला पद है 6, तो 10 में से 6 आ गया 4। इसी प्रकार से यदि आप तीसरा पद लें और उसमें से दूसरा पद माइनस करें, तो तीसरा पद है 14 माइनस दूसरा पद है 10, यह भी उत्तर आएगा आपका 4। तो आप देख पा रहे हैं सार्व अंतर हमारे पास आया है 4। तो हमारा प्रश्न था ए और डी निकालो, ए आया है 6 और डी आया है 4। आज आपको एक्सरसाइज में इसी तरह के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट।